बहुत सारे लोग यहाँ से गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं जी। एक मर्तबा एक फॉरनर अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ आया था, वो यहाँ से नीचे गिर गया और सर फट गया। किसी जगह उसने एक झाड़ी पकड़ के 4 घंटे तक सर्वाइव किया। उसकी गर्ल फ्रेंड फिर नीचे गांव से लोगों को बुला के लाई हपाकून से, इस तरह उसकी जान बच गई। लिहाजा अगर कभी आपका इस तरफ आने का मूड बने तो ज़रूर यहाँ से इंतहाई एहतियात से इसको क्रॉस करें। चलें सर। ये राकापशी बेस कैंप का ट्रैक है और ये बिल्कुल पुल सराज जैसा वो सबसे चैलेंजिंग और टफ ये थोड़ा सा पोर्शन है। जिस तरह फेरी मीडोज़ में अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी बिल्कुल टॉप से फेरी मीडोज़ से थोड़ा सा पहले बहुत पुल सराज सा आता है, तंग सा नैरो पाथ है बहुत ज़्यादा। तो ये भी उसी तरह का है, आइए आपको दिखाता हूँ। हेलो, कैमरा रख लिया, डिजिटल कैमरा। ये चले आहिस्ता आहिस्ता, आप गिर गए तो अब क्या हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बारिश की वजह से स्लिपरी भी हो गया। अल्लाह अकबर। बेस कैंप का जो आखिरी 7 मिनट्स का जो ट्रैक है बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ से बहुत ही एहतियात से आपने गुजरना है। आराम से ये है वो पुल सर आज जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये थोड़ा नीचे का भी लेंगे, मैं जाऊं आगे? नहीं नहीं रुकें जरा। मेखल ये 3 किस्म के इस पे पुल सराते हैं। ये मेखल यहाँ से बेस कैंप से अगर आप वापसी की तरफ आए तो ये 3रा और लास्ट।
ये था जी तीसरा पुलसरात। अब यहाँ से आगे ट्रैक बिल्कुल ठीक है। गुड बाय राकावशी, लव यू, यू आर सो मच ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। ये जो राकापोशी का बेस कैंप है, इस तक प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको कोई गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है और कैंप भी आपको लेकर आने की खैर ज़रूरत नहीं है। ऊपर बना हुआ एक कमरा बना हुआ है कम्युनिटी, हमजा कम्युनिटी की तरफ से, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। हाल बता अपने साथ स्लीपिंग बैग वगैरह साथ लाजमी लाएं। कैंप अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप ऊपर रहने के लिए स्टे का बंदोबस्त है।